टेस्ट क्रिकेट की खबरों के साथ स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई पर। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल में मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा की तिकड़ी ने किया कमाल, तो अंपायर ने किया मैच खराब। अब खबरें विस्तार से। भारतीय तेज गेंदबाजों ने तीसरे दिन विंडीज बल्लेबाजों के नाक में दम करते हुए बरपाया कहर। इससे पहले भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो दिनों तक का खेल हो चुका है। दूसरे दिन के खेल के अंत तक वेस्टइंडीज की टीम ने 41 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए थे। जवाब में आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होती है और एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैकेंजी और क्रेग ब्रैथवेट की जोड़ी मैदान पर उतरती है। दोनों ही बल्लेबाज अपने आप को सेटल करते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी करने लगते हैं, लेकिन 92 ओवर में मुकेश कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मैकेंजी का विकेट हासिल किया। मैकेंजी को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। मैकेंजी 32 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। ब्रैथवेट का साथ देने के लिए मैदान पर अब ब्लैकवुड आ चुके थे। इसी बीच ब्रैथवेट ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। विंडीज के बल्लेबाज भी काफी संभल कर खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अपना विकेट नहीं खोना चाहते थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज बीच बीच में चौके भी लगा रहे थे। इसी बीच 73वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने अपनी चौथी गेंद पर क्रेग ब्रैथवेट को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ वेस्टइंडीज के कप्तान 75 रनों की जानदार और शानदार पारी खेलकर चलते बने। अब ब्लैकवुड का साथ देने के लिए मैदान पर एथेंजे आ चुके थे, जो कि पहले टेस्ट में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। 79 ओवर आते आते एथेंजे और ब्लैकवुड ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया और दोनों ही बेहतरीन शॉट्स लगाने लगे, लेकिन 87 ओवर में जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए ब्लैकवुड को रहाने के हाथों कैच आउट करवा दिया और 20 रन बनाकर ब्लैकवुड पवेलियन लौट गए। 98 ओवर में सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से जोशुआ दास सिल्वा को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें 10 रन पर समेट दिया। नए बल्लेबाज जोसन होल्डर आए और आते ही चौका जड़ दिया। 105वें ओवर में एथेंजे ने भी करारा चौका मारा। इसी के साथ तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। तीसरे दिन के खेल के अंत तक वेस्टइंडीज की टीम 108 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन ही बना पाई, ताकि अंपायर ने वेस्टइंडीज को भरपूर साथ दिया। अंपायर ने 3 ऐसे नॉट आउट दिए जो अंपायर कॉल थे। ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया चौथे दिन के खेल में मैच जीत पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और क्रिकेट मलाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में क्रिकेट की नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।